दिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम। सो हे गाइस, आप भी ऐसा वैलेंटाइन डे स्टेटस बनाना चाहते हो तो अपनी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर। तो उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस लॉबी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डेटा ऑन करना पड़ेगा, तो मैं डेटा को ऑन कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको रीट्राई पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो चॉइस इमेज, तो उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप अपनी जो फ़ोटो स्टेटस में बनाना चाहते हो उस फ़ोटो को ले लेना है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, 916 पर रख देना है, और उसको आप अपनी साइज दे देना है। और उसके बाद आपको करना है क्रॉप। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पैरेलिस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कुछ फ्री इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इफ़ेक्ट को लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर आपको टैप करना है कलर इफ़ेक्ट के ऊपर। करने के बाद यहाँ पे आप इस इफ़ेक्ट को लगा सकते हो, फ्लैश, वाइट फ्लैश, जो आपको बहुत हाई लेवल का फ्लैशलाइट दिखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, फ़िल्टर पर क्लिक करना है, और आप फिल्टर पर जाके आप कुछ भी कलर लगा सकते हो। तो मैं फ़िल्टर पर नहीं लगाऊंगा कुछ। कलर ओवरऑल पर क्लिक करना है और इसको एनेबल करना है, और कोई भी आपको इफ़ेक्ट देना है तो इस इफ़ेक्ट को मैं लगा देता हूँ, या फिर इसको मैं लगा देता हूँ। और उसके बाद आपको फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस एब्रेस पर क्लिक करना है, और बहुत सारे आपको फ्रेम देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ से इस फ्रेम नहीं, ये फ्रेम लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पर बीट पर क्लिक करना है, मोशन पर क्लिक करना है। तो ये मोशन आप दे सकते हो बीट वाला, तो मैं इस पे रख देता हूँ। और टेक्स्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से हम लिख देते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, लिख देता हूँ। और इसके बाद आपको टेक्स्ट फ्रंट देख सकते हो, रेड का मैं दे दूंगा। तो यहाँ से मैं रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर पिंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं रेड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको करना है बैक, तो कंट्रोल पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहाँ से मैं ऊपर लेके जाता हूँ, या फिर नीचे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ मैं लगा दे, यहाँ लगा देता हूँ। और लगाने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद आपको बिजी लेटर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर वन पर जो हमारा लिरिक्स है उसको हम नीचे टैप कर नीचे ले के जाएंगे। तो यहाँ रख देते हैं। उसके बाद आपको करना है सॉन्ग ऐड, तो यहाँ से मैं म्यूज़िक ऐड कर लेता हूँ। तो मैं एक रिंगटोन डाल देता हूँ, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद आपको देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है।
और यहाँ पर क्लिक वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ऐड देख के ये वाटरमार्क हटा सकते हो। तो मैं ऐड को देख लेता हूँ, ऐड को मैंने देख लिया और ये यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो देख सकते हो हमारा जो वाटरमार्क है वो हट गया। तो उसके बाद हम उसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप जाके उसको सेव कर लीजिए। तो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन सेव हो जाएगा, देख सकते हो हमारा वीडियो सेव हो चुका है। और यहाँ पर आपको, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।